क्या आपको पता है बेन, ग्वेन और सोनी का फेस एक जैसा दिखता है और कैनन बोल्ट ओरिजिनली दो अलग अलग स्पेसिस से बिलोंग करता है और क्लॉकवर्क कब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि ऐसे बहुत से गजब से फैक्ट्स की बारिश होने वाला है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है फोरन्स का एक एबिलिटी है शॉक वेव्स पैदा करना, पर क्या आप ये जानते हैं उसने ये एबिलिटी कहाँ से सीखा? उसने ये एबिलिटी टीनी से सीखा। फैक्ट नंबर 14, क्रोनोसापियंस का जो टाइम रेज है वो डायमंड हेड पर असर नहीं कर सकता है क्योंकि डायमंड्स का कोई एज ही नहीं होता है। फैक्ट नंबर 13, जब घोस्ट फ्रिक्स अपने आउटर कवर छोड़ देते हैं तब वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है बेन ऐसा क्यों नहीं करता है? तो सुनिए, घोस्ट फ्रिक अपने आउटर कवर को छोड़ने के बाद बहुत पावरफुल तो बन जाता है, पर उसका पावर सिर्फ अंधेरे में काम आता है। उसका आउटर कवरिंग उसे दरअसल सनलाइट से प्रोटेक्टेड रखता है। फैक्ट नंबर 12, जब क्लॉकवर्क यानी क्रोनोसापियंस गाल्वेनिक मेगामॉर्फ के साथ मर्ज हो जाते हैं तब उनके स्टैमिना इतना बढ़ जाता है कि वो एक सुपर ह्यूमन को भी टक्कर दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, गुटरोट के स्पेसिस घोस्ट फ्रिक को उनके इनविजिबल रूप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, स्टिंग फ्लाइज अपने वजन से भारी चीजों को कैरी करने का उनका एक एबिलिटी है, पर वो अपने वजन से भारी चीजों को ज्यादा देर के लिए कैरी नहीं कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, डायमंड हेड के स्पेसिस पेट्रोसापियंस लंबे साल तक जिंदा रह सकते हैं क्योंकि उनका बॉडी ऑर्गेनिक क्रिस्टल से बना है और क्रिस्टल्स का कोई उम्र नहीं होता है। फैक्ट नंबर 8, डार्क स्टार घोस्ट फ्रिक का एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है क्योंकि घोस्ट फ्रिक जिंदा नहीं होता है, इसीलिए उसके अंदर माना या किसी प्रकार का एनर्जी का कोई भी फॉर्म नहीं होता है। फैक्ट नंबर 7, फोर्स ऑफ क्रिएशन से पहले सेलेस्टियल सैम्पियंस के होम प्लैनेट्स का नाम जी भेज डा था। फैक्ट नंबर 6, एस्ट्रोडैक्टिल का जेट पैक उसे उड़ने में मदद करता है, पर क्या आपने ये सोचा है उसके विंग्स किस शो के लिए रखा गया है? एक्चुअली उसका विंग्स कोई शो के लिए नहीं रखा गया है, उसका विंग्स उसे डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, घोस्ट फ्रिक के पास टेलीकिनेसिस करने का एबिलिटी है, पर आज तक उसने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। फैक्ट नंबर 4, अपग्रेड यानी गैल्वेनिक मेगामॉर्फ को वाकई में अपग्रेड होने की जरूरत है क्योंकि आप ये कभी ना कभी नोटिस किए होंगे कि अपग्रेड का आपस बेन के आपस से सिमिलर है। अरे यार, फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है बेन और गोएन का प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक सिमिलर है, ये देखो इसका प्रूफ। फैक्ट नंबर 2, कैनन बोस तो अलग अलग स्पेसिस से बिलोंग करते हैं। पहला है आर्बोरिया पेलेरोटा जो कि आर्बोरिया प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, दूसरा है वोल्पिनिक टर्टुगांस जो कि वोल्पिन प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, वोल्पिन वाइल्ड मॉर्स का प्लैनेट है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि बिग टिक के एक हफ्ते पहले द ग्रेट वन ने आर्बोरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तब कुछ आर्बोरियन पेलेरोटस अपने जान बचाने के लिए वोल्पिन प्लैनेट की ओर माइग्रेट होने लगे। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में रख लो। फैक्ट नंबर 1, क्या आप ये जानते हैं कि बेन, ग्वेन और सनी का फेस एकदम सिमिलर दिखता है? उनका बाल और लिप्स को अगर हटा दिया जाए तो उनका बाकी का हिस्सा एकदम सिमिलर दिखता है। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। We'll be right back.